नमस्कार दोस्तों। मोस्टली आप लोग घर जब बनाते हैं तो घर बनाते समय आप ज्यादातर मेरे देखने में आया है कि 9-10 गलतियां आप कर ही देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसका कारण है कि ठेकेदार जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो आपको बहला कर फुसला कर या अपना पैसा बचाने के चक्कर में वो 10 गलतियां आपसे करवा देता है। बात करते हैं कि घर बनाते समय आपको कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, घर बहुत मुश्किल से बनाया जाता है। अपनी जीवन भर की संचित पूंजी से आप जब घर बनाते हैं उस समय आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत रहती है और किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। घर बड़ा मुश्किल से बनता है और ऐसी स्थिति में आपको सोचना चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है। अक्सर ठेकेदार जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या आपका घर बनाने का ठेका लिया है वो आपको भ्रमित कर देते हैं, और वो किन किन बातों के लिए भ्रमित करते हैं आइए बात करते हैं। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप घर बनाना चाहें तो आपको प्रॉपर इंजीनियर के द्वारा डिजाइन और ड्राइंग दोनों बनवानी चाहिए। क्यों बनवानी चाहिए? इसका कारण यह है कि आप न तो नक्शा बनवाते हैं, डिजाइन ड्राइंग जिसको बोलते हैं वो नहीं बनवाते हैं, तो आपका जो ठेकेदार जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो अपने मन से अपने हिसाब से अपने दिमाग से नक्शा बना करके आपको दे देता है और आप उसको अप्रूव कर देते हैं या यूं कह देते हैं कि हाँ ठीक है हमें ये मंजूर है, मगर बाद में कौन कौन सी परेशानी आएंगी वो आपको पता नहीं है। पहली परेशानी ये आती है कि जब फुटिंग करने की बात आती है यानी गहराई कितनी लेनी है, फाउंडेशन के जो कॉलम उठते हैं आपके वो कॉलम कहाँ से शुरू करने हैं, वो 2-3 फीट नीचे से ही कॉलम शुरू कर देता है क्योंकि उसमें उसकी बचत हो जाती है। वो कहता है आपको बरगलाता है कि 6 फीट गहरा खड्डा खोदकर कॉलम उठाने की फुटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस चक्कर में कभी मत आइएगा क्योंकि आपकी बिल्डिंग जो आज आप बना रहे हैं वो हो सकता है 2 माले हो, 3 माले हो, 4 स्टोरी हो। ऐसी स्थिति में आपको मजबूत घर बनाना चाहिए। उसके लिए वो गहराई आपके इंजीनियर के द्वारा बताई गई गहराई है उसी के ऊपर ले में ठेकेदार से कहने के हिसाब से मत लीजिएगा। वो अपना पैसा बचाने के चक्कर में आपको इधर उधर भटका करके बरगला करके अपना काम निकालना चाहता है। जब कॉलम खड़े करने की बात होती है तो वो कॉलम की जब शटरिंग करता है तो वो आपको ये बात कहकर के भ्रमित कर देता है कि साहब जमीन के अंदर की शटरिंग है, इसको कौन देखता है, इसमें ईंट की शटरिंग कर देते हैं। और वो ईंट की शटरिंग इसलिए कर देता है कि अपना पैसा बचाने के लिए, अपनी लेबर बचाने के लिए वो ईंट की शटरिंग कर देता है, मगर उसमें आपका प्रॉपर कंपेक्शन नहीं होता है, खुचाई वगैरह जिसको बोलते हैं, और वो नहीं होने के कारण सीमेंट कॉन्क्रीट में हनीकॉम्स रह जाते हैं, उसके कारण बहुत सी परेशानियां आती हैं। कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा बचाना चाहता है मगर चूंकि आपको अपना घर बनाना है इसलिए उसको कहिए कि नहीं, शुरुआत से ही स्टील या वुडन की शटरिंग बना करके लाओ और उसको उसके द्वारा शुरू करो। अब बात आती है कि ठेकेदार क्यों करना चाहता है ऐसा। वो अपना पैसा बचाना चाहता है, स्टील शटरिंग लगाने में उसका पैसा लगता है, न तो उसमें वाइब्रेटर चलेगा, जब ईंट की कंक्रीट होगी तो उसमें वाइब्रेटर नहीं चलेगा क्योंकि वाइब्रेटर चलाने के लिए वो कहता है इसमें वाइब्रेटर की जरूरत ही कहाँ है, जरूर वाइब्रेटर चलवाइए आप, बिना वाइब्रेटर के उसमें हनीकॉम्स रह जाते हैं और वो आगे जाकर बहुत परेशानी पैदा करते हैं। दोस्तों, अगली बात है कि प्लिंथ बीम के नीचे दीवार बनाना बहुत जरूरी है। कुछ कॉन्ट्रेक्टर्स जो कम जानकार होते हैं वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूं और मैंने 200-300 घर बना दिए हैं, वो आपको बरगला देते हैं और वो कहते हैं कि इसके नीचे इतना मटेरियल देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जानता है कि इसी से पैसा बचाया जा सकता है। और वो धीरे धीरे बाद में जब जमीन के ऊपर लोड आता है तो लोड कौन लेगा, वो सीधी बीम डाल देता है, फाउंडेशन बीम डाल देता है और उसके ऊपर का घर खड़ा कर देता है, नीचे वो मिट्टी वगैरह डाल के जब बारिश आती है और आती है तो मिट्टी है खिसक जाती है और आपके घर में क्रेक आ जाते हैं। इसलिए फाउंडेशन बीम जरूर डलवाइएगा। फाउंडेशन बीम के नीचे जो चिनाई है
वो प्रॉपर चिनाई करवाइएगा, डिजाइन ड्राइंग के अनुसार चिनाई करवाइएगा। अब बात आती है कि स्टील जब वो सरिया बांधता है, रेनफोर्समेंट जिसको कहते हैं, तो उस समय वो क्या करता है कि सही प्रॉपर तरीके से नहीं बांधता है। वो कह देता है साहब चार सरिये दे दीजिए और शटरिंग वो स्ट्रिप्स बांध देंगे, कोई जरूरत नहीं है इतना सरिया डालने की। तो मैं कहूंगा आपको जैसा आपके डिजाइन इंजीनियर ने डिजाइन करके दिया है उसी हिसाब से आप रेनफोर्समेंट बंधवाइए, उसमें जितना स्ट्रिप्स का गैप दिया है उतना ही दीजिए, छह सरिये चार सरिये जो भी उन्होंने दिए हैं उसी के हिसाब से ही अपना मकान बनवाइए, नहीं तो कई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इसके बाद में आपकी बात आती है लेपिंग की, ओवरलेपिंग की, यानी स्टील जो बांधा जाता है उसमें ओवरलेप कितना दिया जाना चाहिए। ओवरलेप इंजीनियर्स अपने हिसाब से देते हैं, उस प्रॉपर हिसाब से ही आप ओवरलेपिंग करवाइए, कहीं आपने कम कर दिया तो वो स्टील इतना स्ट्रेंथ ताकत नहीं ले पाती है जितनी लेनी चाहिए, इसलिए वो कभी एक फीट का ओवरलेप लगा देते हैं, कभी सवा फीट का लगा देते हैं, कभी डेढ़ फीट का लगा देते हैं, अपनी मर्जी से लगा देते हैं, ऐसा मत करने दीजिएगा। इसके अलावा जो स्ट्रिप्स आप लगा रहे हैं उनकी भी एक तय दूरी होती है, उस दूरी के ऊपर ही लगवाइए। जैसे आपके डिजाइन इंजीनियर ने 15 सेंटीमीटर दिया है तो 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर दीजिएगा, या 20 सेंटीमीटर दिया है तो वो 20 सेंटीमीटर ही दीजिएगा। आपका मिस्त्री कह देगा नहीं साहब ये तो हम 25 सेंटीमीटर देते हैं, 30 सेंटीमीटर देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो स्टील प्रॉपर लोड नहीं ले पाएगी और आपके मकान में क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे। अगली बात आती है कि कंक्रीट कॉलम की जब आप करते हैं तो ज्यादातर ठेकेदार करते क्या है, प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या करते हैं कि कॉलम की शटरिंग पूरी की पूरी जितना कॉलम होता है उतनी ही शटरिंग बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कॉलम 11 फीट का आना है तो 11 फीट की शटरिंग बना लेते हैं और वो एक साथ उसकी ढलाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। नियम के अनुसार कॉलम की कंक्रीट की शटरिंग है वो सवा एक मीटर से के आसपास होनी चाहिए, एक मीटर से ज्यादा की शटरिंग नहीं करवाएं, ज्यादा से ज्यादा आप डेढ़ मीटर की कर सकते हैं, डेढ़ मीटर से ज्यादा शटरिंग कभी नहीं करवाएं। और उस क्योंकि उसमें न तो ढंग से वो कॉम्पैक्शन बैठता है न उसमें ढंग से वाइब्रेटर चलाया जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप डेढ़ मीटर तक की शटरिंग बनवा सकते हैं और उसकी कंक्रीट करवा सकते हैं। अब बात आती है कि चार इंच की दीवार की, मोस्टली ठेकेदार आपको क्या कहते हैं साहब ये फ्रेम स्ट्रक्चर है इसमें 4 इंच की दीवार बहुत है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा चारों तरफ की आउटर जो दीवारें हैं और मेन दीवारें हैं वो 9 इंच से कम की मत दीजिएगा। हाँ, जहां आप रिक्वायर्ड समझते हैं या आपका इंजीनियर जिसने डिजाइन करके दिया है वो जरूरी समझता है वहां चार इंच की दीवार लगा दीजिए, बाकी आपको 9 इंच से कम की कोई भी दीवार नहीं लगानी है। इसके बाद में बात आती है छत की कंक्रीट के नीचे सरिया का कवर देने की। मोस्टली ठेकेदार क्या करते हैं वहां ईंट के छोटे छोटे टुकड़े लगवा करके कंक्रीट करवा देते हैं। अब आप सोच लीजिए, अपने दिमाग से सोचिए, केवल ठेकेदार के कहने से मत सोचिए, कहां तो कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट जो आपकी लग रही है वो 1.5-3 की लग रही है और कहां वो ईंट का खोरिया जिसको ईंट का टुकड़ा कर सकते हैं वो, तो वो आप दिमाग लगा लीजिए वो कितने जल्दी गल जाएगा। इसलिए वहां आपको कंक्रीट ब्लॉक्स बने हुए आते हैं मार्केट में आपको मिल जाते हैं, वो जरूर लीजिएगा और उनके द्वारा कवर लगवाइएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मार्केट में आजकल पीवीसी ब्लॉक्स भी आ गए, वो लगा करके आप कंक्रीट करवाइएगा। अब बात आती है छत की सीलिंग की। छत की सीलिंग करने के लिए कॉन्ट्रेक्टर आपको कह देता है कि साहब आप इसमें वो पीओपी करवाएंगे तो इसमें छत की सीलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा छत की सीलिंग के बिना आपके मकान में सीलन आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हनीकॉम जरूर रह जाता है और वहां से पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उसमें सीलन नहीं आएगी। तो नीचे जब 6 mm की आप 1.3 के मसाले की एक लेयर का प्लास्टर जिसको कहते हैं सीलिंग कर देते हैं तो वो गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए सीलिंग जरूर करवाइए। आप चाहे पीओपी करवाएं या नहीं करवाएं,
सीलिंग जरूर करवानी है। यदि आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका मकान बहुत ही मजबूत बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा और लॉन्ग लाइफ रहेगा। नमस्कार।